शहर में यातायात व्यवस्था ठीक रहे, लोगों में ट्रैफिक नियमों की जागृति बनी रहे, इस बात को ध्यान में लेकर नागपुर पुलिस विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज मंगलवार को किया गया। नागपुर पुलिस मुख्यालय में आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन किया गया। इस वक्त पुलिस आयुक्त रविन्द्र सिंघल मौजूद थे, जिन्होंने उपस्थित लोगों को मार्गदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में कई स्कूली छात्र भी शामिल हुए थे। इन छात्रों को सड़क सुरक्षा को लेकर मार्गदर्शन किया गया, साथ ही बच्चों को हेलमेट भी बांटे गए। इस सड़क सुरक्षा जन जागृति अभियान के कारण लोगों में ट्रैफिक नियमों को लेकर अवेयरनेस आएगा, जिससे बच्चे भविष्य में सभी नियमों का पालन करेंगे। अपने कड़े 15,500 लोग मृत्युमुखी पड़े होते एक्सीडेंट्स मध्ये पूर्ण महाराष्ट्र मध्ये, आणि आपण जर पूर्ण भारताच्या आकड्या जर बघितला त्याच्यात 1,53,000 लोक मेले होते। हा इतका मोठा आकडा आहे की दर वर्षी इतके लोक आपले मधून जातात, म्हणजे मरण पावतात, आणि याच्याबद्दल किती आपण चर्चा करतो, किती जागरूकता आहे आपल्यामध्ये याच्याबद्दल आपण चर्चा केली पाहिजे। कोणी रोडवर पडलेलं आहे, इंजर्ड झालेलं आहे, त्याला आपण मदत करत नाही, आपल्याला भीती वाटतं की आम्ही जर मदत केली त्याला मग पोलीस आम्हाला प्रश्न विचारते, मी तिथे जाणार नाही, असं करणार नाही। दरवेळी आमचे अधिकारी कर्मचारी रोडवर उभे राहून भरपूर केसेस करतात, आणि ते केसेसचा आकडा जर तुम्ही बघितला ते लाखोंमध्ये जातात नंबर ऑफ केसेस। तरी पण जे आपल्याला बदलाव पाहिजे तो बदलाव आपल्याला दिसत नाही, मग त्याच्यासाठी कारणीभूत कोण आहे? जर त्याच्या संशोधन केला तर मला असं वाटतंय की आपण सगळे त्याचे कारणीभूत आहे। ज्या वेळेस आम्ही गाडी चालवतो, कुठली गाडी असो, ऑटो रिक्षा असो। इस कार्यक्रम में ट्रैफिक व्यवस्था में विशेष काम करने पर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के बाद सड़क सुरक्षा के मद्देनजर बाइक रैली का भी आयोजन किया गया था, जिसे पुलिस आयुक्त ने हरी झंडी दिखाई। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।